जेपी पावर, क्या अभी हमें इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या फ्यूचर होने वाला है इस स्टॉक का? क्या इस स्टॉक के अंदर एक इनसाइडर गेम चल रहा है जो रिटेलर्स को ट्रिप कर सकता है? डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। माय नेम इज उत्कर्ष शर्मा, दिस इज मार्केट प्राइम। आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मार्केट प्राइम फैमिली मेंबर बन जाइए। हमारी वीडियो को काफी ज्यादा लोग देखते हैं और उनको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। वहीं अगर हम आपसे जेपी पावर की बात करें ना, अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर आपने इस स्टॉक के अंदर नीचे के लेवल पर बाय कर रखा था, अभी आपको इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देना चाहिए। 60% अभी आपको इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो सर, क्या ये स्टॉक एक पावर सेक्टर में मल्टी बैगर स्टॉक नहीं बन सकता है? सर बन सकता है, आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर वहीं हम आपसे जेपी पावर के 1 month रिटर्न प्रोफाइल की बात करें, 12.67% के इसने नेगेटिव रिटर्न दिए 1 month के अंदर, 1 year के अंदर 300% के पॉजिटिव रिटर्न है और 5 year के अंदर 32.22% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है जेपी पावर। वहीं अगर हम आपसे बात करें ना सर, RSI के अंदर अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सर हमारे RSI में तो अभी हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो हम यहाँ पे RSI यूज करते हैं, आपकी RSI की डिफॉल्ट वैल्यू 14 होती है, हमने यहाँ पे 3 की कर रखी है। सर आपने 3 की क्यों कर रखी है? RSI की एक इंट्राडे के लिए स्ट्रेटेजी होती है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं ना, ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। RSI की इस स्ट्रेटेजी को देखिए और अप्लाई करिए। डेली आप 3K से 5K आप 3000 से 5000 रुपीस आप इस स्ट्रेटेजी से अर्न कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। जाइए और अप्लाई करिए। वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। वॉल्यूम्स की हमने आपसे बात करी है, एक सेलिंग अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, एक डाउन ट्रेंड हल्का सा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपने इस स्टॉक का, आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तो अभी आपको इस गिरावट का फायदा उठा के इस स्टॉक के अंदर एक बाय करनी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे अभी आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करिए। 2.40 एक करेक्ट लेवल होने वाला है अगर आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अभी की अगर हम आपसे बात करें, अगर ये स्टॉक 3.40 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, 4.15 के आपको फर्स्ट टारगेट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और 2.85 के नीचे के लेवल को अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। उसके बाद आपको 2.20 तक के भी डाउन ट्रेंड में इस स्टॉक के अंदर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्केट प्राइम फैमिली मेंबर बन जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे इसी टाइप की दूसरी वीडियो में।